जरा सोचो, अगर आपके फ्रीज के अंदर छोटे छोटे इंसान रहते हो और उनकी अपनी अलग से ही फ्रीज में दुनिया हो। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी की शुरुआत में हम रॉब और गेल नाम के एक कपल को देखते हैं, जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। गेल रॉब को बताती है कि मकान मालिक ने अपना पुराना फ्रिज यही छोड़ दिया है। यह दोनों घर के सामान को शिफ्ट करते करते बहुत थक गए होते हैं और वाइन पीने का डिसाइड करते हैं। जब रॉब आइस लेने के लिए फ्रीजर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि पूरा फ्रीजर बर्फ की चट्टान की तरह जमा हुआ है। वह जोर लगाकर आइस निकालता है और दोनों वाइन में डालकर पीने लगते हैं। वाइन पीते समय रॉब को लगता है कि उसने आइस क्यूब में कुछ देखा था। वो आइस क्यूब को बाहर निकाल कर देखता है तो उसको अंदर एक छोटा सा जानवर जैसा कुछ दिखता है। जब गेल मैग्नीफाइंग ग्लास से आइस क्यूब को देखती है तो उन्हें आइस क्यूब के अंदर एक छोटा सा मेमन दिखाई देता है, जिसका शरीर के ऊपर किसी ने भाले से हमला किया था। गेल कहती है कि फ्रीज में ऐसे और भी हो सकते हैं और फ्रीज को खोलती है और सारे बर्फ को हटा देती है। उन दोनों को दिखता है कि अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, जो हुबाहू हमारी ही दुनिया की तरह है। लेकिन इस दुनिया का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था। हमारी दुनिया का एक सेकंड होता तो वहाँ पर कई हफ्ते गुजर जाते हैं। रॉब और गेल यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर हमारे ही जैसे दुनिया थी और छोटे छोटे इंसान थे, और यह इंसान इन दोनों को देख भी सकते थे। हो सकता है कि यहाँ के लोगों को ये दोनों को दानव जैसे लग रहे हो। और इसके बाद ये इस फ्रीज को बंद कर देते हैं और उस मेमन को जो उस आइस क्यूब में मिला था उसे गमले में दफना देते हैं। इसके कुछ समय बाद वह दोबारा फ्रिज को खोलते हैं तो वह देखते हैं कि वह की दुनिया पहले के मुकाबले बहुत विकसित हो गई है। अंदर की दुनिया का समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह लोग फ्रीज से कुछ मिनट ही दूर हुए थे। इतने में ही ये दुनिया मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में पहुंच चुकी है। वह देखते हैं कुछ ही मिनटों में वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने लगी है। रॉब और गेल बात करते हैं कि इस दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या यह हमें अपना भगवान मानते होंगे। इतने में ही उस दुनिया के दो वर्कर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है। उसमें से एक कहता है, इन दोनों को हमें घूरने के अलावा कोई और काम नहीं है। और दूसरा वर्कर बोलता है, चाहे जो भी हो, अब इस लड़की का चेहरा देख देख कर मैं बोर हो चुका हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अंदर की दुनिया की स्पीड बाहर के समय के मुकाबले बहुत तेजी से हो बढ़ रही थी। इसका मतलब जितने मिनटों तक यह दोनों अंदर की दुनिया देख रहे थे, इतने में अंदर के लोगों की उम्र पूरी हो रही थी। इसलिए वह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन लोगों को ही देख रहे थे। अब आप खुद ही सोचे कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी को लगातार देखना, क्या कोई इंसान बोर नहीं होगा। इसके बाद रॉब और गेल देखते हैं कुछ ही समय में इंडस्ट्रियल एज से यह दुनिया मॉडर्न एज में आ चुकी है। अब इस दुनिया में भी हमारे दुनिया की तरह आसमान में एरोप्लेन उड़ने लगे थे। रॉब इस दुनिया को तरक्की करते हुए और बदलते हुए बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी वह नोटिस करता है कि अंदर कुछ चमक रहा है। उसको ध्यान से देखता है, ध्यान से देखने के लिए फ्रिज के नजदीक जाता है। तभी फ्रिज में अचानक से धमाका हो जाता है, जिससे रॉब दूर जाकर गिर जाता है। और गेल देखती है कि रॉब का चेहरा जलकर लाल हो चुका है। अब यह दोनों फ्रीज को देखने लगते हैं। यह देखते हैं कि इस फ्रीज में न्यूक्लियर वॉर चल रहा है और इस दुनिया के लोग मर रहे हैं। यह देख यह दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। गेल फ्रिज को बंद कर देती है और कहती है कि इतनी जल्दी तो यह खत्म होगा नहीं, क्यों ना तब तक हम एक पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। अब लगभग एक घंटा बीत चुका है और इनका पिज्जा भी आ चुका है। रॉब पिज्जा खाते खाते कहता है, क्यों ना अब फ्रिज को खोल कर देखा जाए, क्योंकि एक घंटे से ज्यादा हो चुका है। रॉब कहता है, हो सकता है कि अब अंदर सब ठीक हो चुका हो। लेकिन गेल कहती है, हमें मान लेना चाहिए, हो सकता है कि अब अंदर सब कुछ खत्म हो चुका हो। उसके बाद जब यह फ्रिज को खोलते हैं, इनको अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता है। यह देखते हैं कि अंदर की दुनिया बच गई है और अब यह दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। गेल कहती है, यह दुनिया एक न्यू सिटी की तरह लग रही है। यह फ्लाइंग कार आसमान में उड़ रही होती है। यह देखते हैं कि अंदर की दुनिया में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं। इसके बाद यह देखते हैं, यह पूरी सिटी एक पैरामिड की तरह बन चुकी है। इसके बाद यह पैरामिड बोतल की तरह दिखने लगता है और देखते ही देखते यह बोतल एक एनर्जी बॉल की तरह बन जाती है और एक धमाके के साथ फट जाता है। और यह सभी एनर्जी एक नीले लाइट के फॉर्म में आ जाती है और दिवाली के रॉकेट की तरह फ्रिज से बाहर निकल जाती है और इनके कमरे के चारों ओर एक टूटते तारे की तरह ट्रैवल करने लगती है। मानो ऐसा लग रहा हो उस छोटी सी दुनिया के लोग किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं।
इसके बाद ही एनर्जी के टुकड़े वापस से फ्रिज के अंदर चले जाते हैं और एक धमाके के साथ यह एनर्जी बॉल नष्ट हो जाती है और यह देखकर ऐसा लगता है कि उस बॉल को किसी ब्लैक होल ने निगल लिया हो। इस तरह इस बार फाइनली इस दुनिया का अंत हो चुका था। इसके बाद रॉब और गेल को भी यकीन हो जाता है कि अब यह दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रॉब उस फ्रिज का केबल निकाल देता है और अब यह दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब यह दोनों सुबह उठकर दोबारा से फ्रिज को खोलते हैं तो अंदर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अंदर दोबारा से एक नई दुनिया बन चुकी है और एक नई सृष्टि का निर्माण हो चुका है। और अब फ्रिज के अंदर डायनासोर और आदिमानव का युग चल रहा है और डायनासोर आदिमानव का शिकार कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि हर रोज सुबह इस फ्रिज में नई दुनिया बनती है और रात तक पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। और इसी तरह की एंडिंग के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चाहे इंसान कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन एक ना एक दिन यह दुनिया खत्म हो ही जाती है और इंसान भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें लाइक और सब्सक्राइब के साथ।